कुछ में प्रतीक दुबे और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आइए आज एक ऐसी रेसिपी बनाते हैं जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत टेस्टी रेसिपी है ये और बहुत चटपटी बनती है। तो जब आपका कुछ भी मन नहीं हो बनाने के लिए तो आप ये सोयाबीन पुलाव की रेसिपी जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी शुरू करते हैं। सोयाबीन का पुलाव बनाने के लिए मैंने ना यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल और यहाँ पे डाल दूंगी मैं 1 छोटा चम्मच यहाँ पे राई। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच सेम क्वांटिटी से यहाँ पे जीरा। इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे पहले। राई जीरा अच्छे से पक जाने के बाद यहाँ पे डाल दूंगी मैं ये 2 तेज पत्ते। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये अच्छे से कुक हो जाने के बाद हम डाल देंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज के स्लाइस किए हुए प्याज। इसको मिला देंगे, फ्लेम को रखेंगे बिल्कुल स्लो और यहाँ पे इसको अच्छे से कुक होने देंगे जब तक कि एक प्याज में से ना जो कच्चीपन की खुशबू होती है ना वो निकल जाएगी। तब तक हमने इसको अच्छे से भूनना है। प्याज हल्का सा भून चुका है तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे डाल दूंगी मैं ये मसाले। मैं मसाले में सबसे पहले ये 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद यहाँ पे ये 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, ये डाल रही हूँ मैं होम मेड गर्म मसाला 1/2 छोटी चम्मच, डाल दूंगी मैं ये पुलाव मसाला 1 छोटा चम्मच। आप मसाले ना अपने जो पुलाव की क्वांटिटी रहेगी ना उस हिसाब से आप ऐड कर दीजिएगा, पर मैंने यहाँ पे ना इस हिसाब से ऐड किया है 1/2 छोटी चम्मच 1 छोटी चम्मच, क्योंकि मैंने ना 2 कप राइस बॉईल किया है उस हिसाब से मैंने लिया है। तो अच्छे से इसको मिला देंगे। 2 मिनट मसाले भुनने के बाद मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे 1 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे जिसको मैंने छोटे फाइनली कट कर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। टमाटर डालने के बाद ना हमने सबसे पहले ये नमक डाल देना है। नमक 1 छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड कर लीजिएगा ताकि अच्छे से ये जो टमाटर है ना वो अच्छे से गल जाए। तो इसी स्टेज पर मैं यहाँ पर नमक डाल दे रही हूँ और गैस को रखना है बिल्कुल स्लो ताकि ये जो मसाले हैं ना ये जले ना। आप देख सकते हैं टमाटर ना अच्छे से गल चुका है। तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे अब डाल दूंगी मैं ये सोयाबीन न्यूट्रीला जो कि मैंने तकरीबन पानी में भिगो के इसको रखा था 15 मिनट तक। उसके बाद नहीं अच्छे से फूल जाए ना, उसके बाद क्या करना है अच्छे से आप पूरा आप चाहे ना तो खड़े भी डाल सकते हैं, पर मैंने क्या किया है यहाँ पे इसको 2-2 भाग में कट कर लिया है। तो इससे ना पुलाव बहुत अच्छा, मतलब इससे हम लोग को फ्लेवर अच्छा लगता है। अगर आप चाहें ना तो आप इसको बिना कट किए ऐसे खड़े भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए, वरना इसको 2 मिनट तक हम छोड़ेंगे ताकि जितने मसाले के फ्लेवर्स हैं ना वो सोयाबीन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए सारे। तो 2 मिनट तक के लिए बस इसको ऐसे ही कुक होने दीजिए। सोयाबीन में सारे मसाले के फ्लेवर इन्हांस होने के बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे बॉइल्ड राइस ले लिया है मैंने, 2 कप राइस मैंने लिया है, मतलब ये कुक होने के बाद का मेजरमेंट मैं बता रही हूँ, 2 कप है यहाँ पे ये राइस। तो इसको डाल देंगे हम, ये देखिए इसको मिक्स कर लिया है मैंने अच्छे से। अब इसको 2 मिनट ऐसे ही हम छोड़ देंगे ताकि सारे फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम क्या करेंगे ना इसको सर्व करेंगे। के बाद ये देखिए ये अच्छे से कुक हो चुका है, बिल्कुल राइस ऑलरेडी कुक ही था। तो यहाँ पे बचे हुए चावल जो है ना आप वो भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे बंद कर देंगे इसको। मैंने यहाँ पे फ्रेश राइस बना के यूज़ किया है, अगर आपके पास चावल बच जाते हैं ना तो आप ये पुलाव बना सकते हैं, बहुत यम बनती है। तो चलिए इसको फटाफट से सर्व कर लेते हैं। ये राइस बना के सर्व कर लिया है मैंने गाइस, बहुत यम बनती है, बहुत क्विक बनती है राइस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए ना तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।